बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी बताते हैं कि बैरिस्टर बनने के लिए दो बातों की जरूरत थी पहली तो टर्म पूरी करना और दूसरी कानून की परीक्षा देना दोनों ही चीजों की अपनी अलग अलग विशेषता थी आखिरकार गांधी जी बैरिस्टर बने पर निराशा ने उन्हें घेर लिया कारण ये कि कानून की पढ़ाई तो गांधी जी कर चुके थे पर वकालत सीखना उन्हें अभी बाकी था तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मेरी परेशानी बैरिस्टर कहलाना आसान मालूम हुआ पर, बैरिस्ट्री करना मुश्किल लगा। कानून पढ़े, पर वकालत करना ना सिखा कानून में मैंने कई धर्म सिद्धांत पढ़े जो अच्छे लगे पर यह समझ में ना आया कि इस पेशे में उनका उपयोग कैसे किया जा सकेगा अपनी संपत्ति का उपयोग तुम इस तरह करो कि जिससे दूसरे की संपत्ति को हानि न पहुंचे ये एक धर्म वचन है पर मैं ये न समझ सका कि वकालत का पेशा करते हुए मुक्किल के मामले में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता होगा जिन मुकदमों में इस सिद्धांत का उपयोग हुआ था जिन मुकदमों में इस सिद्धांत का उपयोग हुआ था उन्हें मैं पढ़ गया पर उससे मुझे इस सिद्धांत का उपयोग करने की युक्ति मालूम न हुई इसके अलावा पढ़े हुए कानूनों में हिंदुस्तान के कानून का तो नाम तक न था मैं ये जान ही नहीं पाया कि हिंदू शास्त्र और इस्लामी कानून कैसे हैं न मैंने अर्जी दावा तैयार करना सीखा मैं बहुत परेशान हुआ फिरोज शाह मेहता का नाम मैंने सुना था वे अदालतों में सिंह की तरह गर्जना करते थे वलायत पे उन्होंने ये कला कैसे सीखी होगी उनके जितनी होशियारी तो इस जीवन में आ नहीं सकती पर एक वकील के नाते आजीविका प्राप्त करने की शक्ति पाने के विषय में भी मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई उलझन उसी समय चल रही थी जब मैं कानून का अध्ययन करने में लगा था मैंने अपनी कठिनाइयां एक दो मित्रों के सामने रखी उन्होंने सुझाया कि कि की सलाह ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि दादा भाई के नाम एक पत्र मेरे पास था उस पत्र का उपयोग मैंने देर में किया ऐसे महान पुरुष से मिलने जाने का मुझे क्या अधिकार था कहीं उनका भाषण होता तो मैं सुनने जाता और एक कोने में बैठकर आंख और कान को तृप्त करके लौट आता विद्यार्थियों से संपर्क रखने के लिए उन्होंने एक मंडल की भी स्थापना की और उनके प्रति विद्यार्थियों का, का सिफारिशी पत्र देने की हिम्मत की मैं उनसे मिला उन्होंने मुझसे कहा था तुम मुझसे मिलना चाहो और कोई सलाह लेना चाहो तो जरूर मिलना पर मैंने उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं दिया किसी भारी कठिनाई के सिवा उनका समय लेना मुझे पाप जान पड़ा इसलिए अपने मित्र की सलाह मानकर दादा भाई के सम्मुख अपनी कठिनाइयां रखने की मेरी हिम्मत ना पड़ी उन्हीं मित्र ने या किसी और ने मुझे सुझाया कि मैं मिस्टर फ्रेडरिक से मिलू। मिस्टर फ्रेडरिक से कंजर्वेटिव दल के थे पर हिंदुस्तानियों के प्रति उनका प्रेम निर्मल और निस्वार्थ था कई विद्यार्थी उनसे सलाह लेते थे इसलिए उन्हें पत्र लिखकर मैंने मिलने का समय मांगा उन्होंने समय दिया मैं उनसे मिला इस मुलाकात को मैं कभी भूल नहीं सका वे मुझसे मित्र की तरह मिले मेरी निराशा को तो उन्होंने हंसकर ही उड़ा दिया क्या तुम ये मानते हो कि सबके लिए फिरोज शाह मेहता बनना जरूरी है फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी तो एक दो ही होते हैं तुम निश्चय समझो कि साधारण वकील बनने के लिए बहुत अधिक होशियारी की जरूरत नहीं होती साधारण प्रामाणिकता और लगन से मनुष्य वकालत का पेशा आराम से चला सकता है सब मुकदमे उलझनों वाले नहीं होते अच्छा ये तो बताओ अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा साधारण वाचन या तुमने पढ़ा क्या है जब मैंने अपनी पढ़ी हुई पुस्तकों की बात की तो मैंने देखा कि वे थोड़े निराश हुए पर वो निराशा क्षणिक थी तुरंत ही उनके चेहरे पर हंसी छा गई और वे बोले अब मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ गया हूं साधारण विषयों की तुम्हारी पढ़ाई बहुत कम है तुम्हें दुनिया का ज्ञान नहीं है इसके बिना वकील का काम नहीं चल सकता तुमने तो हिंदुस्तान का इतिहास भी नहीं पढ़ा है वकील को मनुष्य स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए उसे चेहरा देखकर मनुष्य को परखना आना चाहिए साथ ही हर एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए वकालत के साथ इसका कोई संबंध नहीं है पर तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए मैं देख रहा हूं कि तुमने के एंड मिलंसन की अठारह के गदर की किताब भी नहीं पढ़ी है उसे तो तुम फौरन पर डालो और जिन दो पुस्तकों का नाम मैं देता हूं उन्हें मनुष्य की परख के ख्याल से पढ़ जाना यू कहकर उन्होंने लेवेटर और शमिल पेनिक की फिजियोग्नॉमी यानी मुख्य सामुद्रिक विद्या विषय पुस्तकों के नाम लिख दिए यू कहकर उन्होंने लेवेटर और शमिल पेनिक की फिजियोग्नॉमी यानी मुख्य सामुद्रिक विद्या विषय पुस्तकों के नाम लिख दिए मैंने उन वयोवृद्ध मित्र का बहुत आभार माना उनकी उपस्थिति में तो मेरा भय क्षण भर के लिए दूर हो गया पर बाहर निकलने के बाद तुरंत ही मेरी घबराहट फिर शुरू हो गई चेहरा देखकर आदमी को परखने की बात को रटता हुआ और उन दो पुस्तकों का विचार करता हुआ मैं घर पहुंचा दूसरे दिन लेवेटर की पुस्तक खरीदी शमल बेनिक की पुस्तक उस दुकान पर नहीं मिली लेवेटर की पुस्तक पढ़ी पर वो तो स्नेल से भी अधिक कठिन जान पड़ी रस भी नहीं के बराबर मिला शेक्सपियर के चेहरे का अध्ययन किया पर लंदन की सड़कों पर चलने वाले शेक्सपियरों को पहचानने की शक्ति तो मिली ही नहीं लेवेटर की पुस्तक से मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला मिस्टर पिंकट की सलाह का सीधा लाभ मुझे कभी मिला पर उनके स्नेह का बड़ा लाभ मिला उनके हसमुख और उदार चेहरे की याद बनी ही रही मैंने उनके इन वचनों पर श्रद्धा रखी कि वकालत करने के लिए फिरोज शाह मेहता की होशियारी और यादाश्त वगैरह की जरूरत नहीं है प्रामाणिकता और लगन से काम चल सकेगा इन दो गुणों की पूंजी तो मेरे पास काफी मात्रा में थी इसलिए दिल में कुछ आशा जगी के एन मेलिंग की पुस्तक मैं बिलायत में नहीं पढ़ पाया पर मौका मिलते ही उसे पढ़ डालने का निश्चय कर लिया था ये इच्छा दक्षिण अफ्रीका में पूरी हुई इस प्रकार निराशा में तनिक सी आशा का पुट लेकर मैं कांपते पैरों आसाम जहाज से बंबई के बंदरगाह पर उतरा उस समय बंदरगाह में समुद्र क्षुब्ध था इस कारण लॉन्च यानी बड़ी नाव में बैठकर किनारे आना पड़ा अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मेरी परेशानी वाचन था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज